Assalamu alaikum, hello everyone. I am Chef Zubair and welcome to Zuhu's Kitchen Cooking with Love. आप सभी को Zuhu's Kitchen की तरफ से ईद उज जुहा बहुत बहुत मुबारक हो और आज इस ईद के मौके पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा बकरा ईद स्पेशल दम मटन की रेसिपी। बहुत आसान है बनाना, बस मटन को मैरिनेट करेंगे, उसके बाद दम पर पकाएंगे और उसे हल्का सा स्मोक देंगे। लाजवाब लगता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये मैंने लिया है आधा किलो मटन, इसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। ज़्यादा बड़े पीसेस ना ले, ज़्यादा छोटे भी ना ले, मीडियम साइज़ के पीसेस बनाएं। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च, ज़रा सी हल्दी, हसबे जायका नमक और इसमें डालेंगे 1/2 कप फेटा हुआ दही। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें मटन पर अच्छे से कोट हो जाएं। फिर इसके बाद हम इसे ढककर कम से कम 1 घंटा मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जब तक मटन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। ये 3 बड़े प्याज है जिनको मैंने फाइनली स्लाइस कर लिया है, इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मेरे थोड़े से ज़्यादा फ्राई हो गए हैं, आप गोल्डन ब्राउन होने पर निकाल लें। प्याज को फ्राई करने के बाद जो तेल बचा था उसी तेल को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये 3 बड़े चम्मच तेल है, इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले, 2 लाल मिर्च है, 2 तेज पत्ता है, 10 काली मिर्च, 5 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। साथ में इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। अब इन सारे सूखे मसालों को हम हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेटेड मटन के पीसेस। तो बहुत केयरफुली इसमें मटन डालें क्योंकि तेल उड़ना शुरू हो जाता है। ये पीसेस को इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मटन को हम तेल में कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये पकना शुरू होता है तो मटन से और दही से पानी रिलीज होता है, तो 75% पानी सूखने तक हम इसे पकाएंगे। मटन को मैंने 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राइड अनियंस, इसको मैंने क्रश कर लिया है। नेक्स्ट इसमें डालेंगे काजू बादाम और 4 मगज का पेस्ट। ये 5 काजू 5 बादाम और 1 टेबलस्पून 4 मगज है, इसको मैंने 1/2 घंटे भिगो लिया था, तो उसका पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। इससे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया आती है। तो इन सारी चीज़ों को हम मटन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। जब इन मसालों से तेल अलग होने लगेगा बिल्कुल ऐसे, तब हम इसमें डालेंगे टोमेटो पेस्ट। ये 2 छोटे टमाटर है, इनका मैंने पेस्ट बना लिया है, इसको डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। ये 1 चम्मच जीरा पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और जरा सी कसूरी मेथी। इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। नेक्स्ट इसमें डालेंगे हसबे जायका नमक। अगर आपको खट्टा ज्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं। गोश्त को गलाने के लिए इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे। अब इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर 1/2 से 1.25 घंटा तक पकाएंगे। 45 मिनट्स तक पकाने के बाद मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था, कुकर भी ठंडा हो गया है, तो चलिए खोल कर देखते हैं। आहा, माशा अल्लाह, इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है, खुशबू से पूरा किचन महक रहा है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पर आप इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम स्मोक देते हैं। तो उसके लिए मैंने इसमें रखा एक छोटी सी प्याली, इसमें डालेंगे जलता हुआ कोयला और उस पर रख देंगे 2 लौंग। अब इस पर डालेंगे हम बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी और इसे ढककर 5 मिनट तक छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब इस प्याली को इसमें से हम हटा देते हैं और इसमें हम डालेंगे चॉप्ड फ्रेश धनिया, इसे करेंगे अच्छे से मिक्स और ये हमारा बहुत ही लजीज और बेहतरीन सा दम मटन तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी और कलर कितना लाजवाब आया है।
यकीन जानिए बस एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिए, आप होटल का खाना भूल जाएंगे। दम मटन ग्रेवी को आप चपाती के साथ, चावल के साथ, नान के साथ, किसी के साथ भी एंजॉय करें, बहुत बढ़िया लगता है। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे बना है। खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही है, खतरनाक बना है, बहुत जबरदस्त बना है। आप भी रेसिपी जरूर ट्राई करें और फीडबैक दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।